परिहास में मैं चौकी और अंगूठा हाजिर है आपको गुदगुदाने के लिए और हंसाने के लिए। अरे वाह क्या बात है, आज तो बड़ी स्मार्ट लग रही हो। आज मैं जरा मीटिंग में गई थी। मीटिंग? तुम्हें पता भी है मीटिंग होती क्या है? क्या समझते हैं अपने आप को? अरे मेरा बहुत बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है। हाँ मैं बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग में जाती हूँ, बड़े बड़े होटलों में। अरे वो बाहर के देशों की कंपनी होती है ना, क्या कहते हैं उसे, वो मल्टीनेशनल कंपनी। हाँ वही, मेरी सहेली उसमें बहुत बड़ी अफसर है। हाँ अरे उसकी मीटिंग थी, उसने मुझसे कहा चल तुझे 5 सितारा होटल दिखाती हूँ। अरे होटल क्या, बहुत बड़ा महल था। अरे तुमने वहाँ क्या क्या? खूब मौज की। अच्छा पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? अरे मीटिंग में चाय नाश्ता भी था। हाँ? मैंने भी चाय पी, इस पर सब लोग मुझे बड़ी अजीब अजीब सी नजरों से घूर रहे थे। तुमने वहाँ कर क्या दिया? बस चाय पी तो कुछ लोगों ने कप सीधे रख दिए, कुछ लोगों ने उल्टे रख दिए, पर मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर तूने क्या किया? मैंने कप को तिरछा रख दिया। इस बात पर मेरी सहेली मुझसे नाराज हो गई। उन्होंने कप उल्टे सीधे क्यों रख दिए थे? जिनको चाय चाहिए थी उन्होंने सीधे रख दिए, जिनको चाय नहीं चाहिए थी उन्होंने उल्टे रख दिए। पर तूने कप तिरछा क्यों रख दिया था? अब मैंने सोचा देनी है तो दे दो, नहीं देनी तो कोई बात नहीं। अब मेरी सहेली ने पार्टी दी थी ना, अब उसका खर्चा ज्यादा ना हो जाए, मैंने यही सोचा कि हम तो घर वाले हैं, बस और कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हारी सहेली भी तुम्हारी तरह कंजूस है। अरे कंजूस पे याद आया, एक बार एक कंजूस ग्राहक दुकान चला गया और दुकानदार को बोला मुझे एक सूट सिलना है, कोई ऐसा कपड़ा दिखा दीजिए जो दाम में सस्ता हो और दिखने में मोटा हो और चलने में लंबा चले। दुकानदार ने बोला ए रामू जरा इनको टाट दिखा दे। अरे ये तो विमला के जीजा की सी बात हो गई। क्यों वो भी कंजूस है क्या? नहीं नहीं आदत से मजबूर है, काम दाम तो कुछ करते नहीं, बस दिन भर दिमाग चाटते हैं। तुमसे भी ज्यादा। मजाक मत करो, मुझे तो बस यही चिंता खाए जा रही है कि ऐसा क्या करूं कि उनको सीख मिले। हाँ, बात तो सही कही तुमने। आइए आपको फिर इस बात पे ले चलते हैं, ऐसे एक जीजाजी की कहानी दिखाने कैसे उनकी साली ने उनको जिंदगी का सबक सिखाया। हाँ तो कब आ रही हो? जब आप बुलाए हम तो तैयार बैठे हैं, मेरी एग्जीबिशन खत्म, इंतजार कर रही हूँ जीजा जी के फोन का, और वो आ गया। तो आ जाओ, जीजा जी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे नहीं, पहले वादा करो दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट सब कुछ दिखाओगे। बस इतनी सी बात, तुम आओ तो सही। हाँ हाँ एक बात और, मुझे कुछ ड्रेसेस खरीदनी है, आ रही हूँ तो शॉपिंग भी आप ही के साथ कर लूँ? तुम आ जाओ शॉपिंग भी करवा देंगे। तो समझ लो कल मैं आ गई। ठीक है। फोन पर बुलावा तो ऐसे दे रहे हो जैसे कि पता नहीं कहाँ के धंधा सेट हो, मैं अभी फोन करके मना करती हूँ। सुरेखा तुम टेंशन मत लिया करो, देखो ये मेरा काम है। कैसे ना लो टेंशन, सारा सारा दिन घर से बाहर चबूतरे पे बैठ कर अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते रहते हो और फोन पे बड़ी बड़ी टींगे हाँकते हो। चुप और ध्यान से सुनो, पढ़े लिखे विनय प्रताप सिंह कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करेंगे, और ये मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का, साड़ी की फॉल खरीदनी हो तो बाबूजी, बिंदी लिपस्टिक खरीदनी हो तो बाबूजी। यार एक तो तुम्हारे घर की इज्जत ढक रहा हूँ। मेरे घर की या अपने घर की? आने दो मीना को, एक एक बात बताऊंगी। अरे अरे मेरी मेरी बात तो सुनो। जीजा जी मैं आ गई। आइए आइए। नमस्ते जी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, जब से मैंने अपना काम शुरू किया है बड़ी बेधड़क हो गई हूँ। अरे दीदी ये क्या हाल बना रखा आपने अपना? कैसे हो तू? मैं तो ठीक हूँ, पर एक बात बताओ जीजा जी कहीं परेशान तो नहीं करते? ये परेशान के साथ साथ हैरान भी करते हैं। मतलब कुछ नहीं, तुम्हारी दीदी जब मूड में होती है ना तो बस ऐसे ही फिलोसफर हो जाती है ना? ओ ऐसा, ये बीमारी आपको कब से लग गई? जब से तेरे जीजा जी के साथ रहना शुरू किया, साथ रहने का कुछ तो असर होगा। दीदी जीजा जी तो कहते हैं कि आपके बिना वो आधे पागल हो जाते हैं। अच्छा तो इसका मतलब मैं पूरी पागल? सही बात है। तू चल फ्रेश हो ले। हाँ।
पिताजी पिताजी कल मुझे 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है। 5,000 चाहिए? अरे तुम नालायक हो, तुम नहीं सुधरोगे, कुछ काम धंधा तो है नहीं, मुझे 5,000 चाहिए। अब पिताजी 5,000 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं है? हाँ, कमाए हैं कभी? 5,000 बड़ी रकम नहीं है। अरे कमाओगे तो पूछेंगे। थोड़ा धीरे बोलिए, गली मोहल्ले के लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे गली मोहल्ले वालों की परवाह है तुम्हें? अरे अगर उनकी परवाह होती तो तुम कुछ काम काज करते हैं? तुम्हारी पढ़ाई में मैंने जितने पैसे खर्च किए हैं ना, उतने अगर मैं बैंक में रखता तो उसका ब्याज खाता है? और तुम हमें यहाँ ले आए शहर में है? हम तो गाँव में ही ठीक थे। कर लूंगा, काम भी कर लूंगा, लेकिन मेरे मन मुताबिक मिलेगा तो? व्हाइट कलर जॉब करेंगे, जो मिलेगी नहीं। बस बस पिताजी, आप पैसे देने के लिए इतना लेक्चर दे रहे हैं ना? अरे नहीं देने तो मना कर दीजिए। हम मना कर दूं और तू गली गली भीख मांगे और लोग आए हमें नोचने के लिए है? कुछ शर्म हया भी है कि नहीं? बेटा कुछ तो सोचा होता घर के बारे में। तुम्हारे पिताजी कब तक बोझ ढोएंगे इस घर का? अरे घर की हालत देख रहे हो तुम? कल ही बैंक से पैसे निकाल के लाए हैं घर की मरम्मत के लिए। खैर अरे तुमने ही शायद दे रखी है इसे, तुमने ही बिगाड़ा है इसे, पता नहीं किस घड़ी पैदा हो गया। भाई आज तो थका दिया तुम्हारी शॉपिंग ने। बाहर बहुत गर्मी थी ना। ये बताओ कि मजा आया कि नहीं? मजा तो बहुत आया दीदी। अच्छा, वाकई दिल्ली की बात कुछ और है। शॉपिंग करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं विदेश में शॉपिंग कर रही हूँ। कितने बड़े बड़े मॉल्स हैं। अरे क्या नहीं है दिल्ली में, और कुछ तो ऐसा है जो विदेश में भी नहीं है, सब है। भाई मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैं अपनी शादी दिल्ली में ही करवाऊंगी। मैं तो दिल्ली के मॉल्स पर फिदा हो गई। पर चीजू आप वही रहे 20वीं शताब्दी के आदमी। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? ऐसी क्या बात हो गई, मुझे तो बहुत गुस्सा आया था आप पर। गुस्सा किस बात पर? मेरे भोले जीजू वहां तो सब क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे थे, आप अकेले चनाब कैश गिन रहे थे, वो भी हाईटेक के जमाने में। भाई मैं हाँ, मैं बहुत साधारण किस्म का आदमी हूँ, दिखावा मुझे पसंद नहीं, जो है वो सामने है। अरे तेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है। और नहीं तो क्या दीदी, मैं हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही हूँ, आसपास के गांव की औरतें काम करती हैं और मैं उनसे माल कलेक्ट करके आगे अच्छे दामों में बेच देती हूँ। अच्छा, इसका मतलब तू तो इनकम टैक्स भी भरती होगी? आज से नहीं, पिछले 3 सालों से भर रही हूँ। पता मेरी कंपनी का नाम क्या है? क्या? मीना एंटरप्राइजेस। ये तो तूने बहुत बढ़िया काम किया। जीजा जी, रहती जरूर छोटे कस्बे में हूँ लेकिन जानकारी हर बात की रखती हूँ। शहर हो या देहात, अगर इंसान मेहनत करना चाहे तो उसे फल जरूर मिलता है। अरे बेटी रुका भाई। नमस्ते माँ जी, आते ही बाजार चली गई थी, सोचा आपसे आकर तसल्ली से मिलूंगी। बहू सुई दवा कहाँ रखा है? तेरे बाबूजी का कुर्ता फटा है, इसे जरा टांग तू। ये बताओ प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम ये है कि आज रात को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक 7 बजे चलेंगे। पर अब आप नहीं, मैं दीदी और माँ जी जाएंगी। मैं कहाँ, तुम बच्चे लोग जाओ। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो ये लो पैसे, ये वो 4,500 रुपए जो तुमने अपने क्रेडिट कार्ड से दिए थे। और रेस्टोरेंट का खर्चा? हाँ क्यों नहीं, ये लो 500 रुपए और। वेरी गुड दीदी, कल सुबह मुझे जल्दी जाना है। क्यों भाई, अब तुमने तो कहा था यहाँ जाना है वहाँ जाना है। फिर कभी जीजा जी, वाकई ही मुझे बहुत जरूरी काम है। और माँ जी, छोटे मुंह बड़ी बात कह रही हूँ, आप मुझे अपनी बेटी ही समझिए। ये लीजिए 5,000 रुपये और बाबूजी से कहिए कि इस घर की मरम्मत करवा दें। जब बाबूजी और विनय जीजा जी में बात हो रही थी तब मैं बाथरूम से नहा कर निकली थी और मैंने सब सुन लिया। आप मुझे इस घर से अलग ना समझे। बेटी ये क्या कर रही हो? मैं ठीक कर रही हूँ माँ जी, अगर बेटी कहा है तो ना नहीं कहेंगे।
और हाँ जीजा जी, मैं भी तो गांव में ही काम करके अच्छे पैसे कमा रही हूँ। सच कहूँ, मेहनत, लगन और हुनर से छोटे से छोटा काम बड़ा बन सकता है। और मैं तो सबसे यही कहूँगी, मेहनत करना सीखो ओ पढ़ने लिखने वालों। अरे वाह, क्या बात है साली, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? इस तरह इज्जत से जीने के लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी होता। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी होती है हमारी सोच। सही बात। और इंसान को वही छोटा बड़ा बनाती है। बिल्कुल ठीक बात। एक बार दो चोर एक गांव से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा एक नटी रस्सी में छलांग लगा के करतब दिखाने लग गई। उन्होंने सोचा कि इस नटी को साथ में लेके चलते हैं, बहुत काम आएगी। जब उन्होंने नटी को बोला तो वो तुरंत मान गए। फिर जब अगली रात को वो एक बिल्डिंग में चोरी करने के लिए गए तो चोरों ने कहा, चल नटी चढ़ जा ऊपर छलांग लगा के। नटी ने कहा, पहले नगाड़ा तो बजाओ। अरे वाह, तुम भी ऐसा कोई काम क्यों नहीं कर लेते, चाहे नगाड़ा बजाना चाहे ढोल बजाना। अरे वही तो कर रहा हूँ। ये भी कोई काम है कूदने फांदने की बातें? अरे बातें करनी है तो रोजगार की बातें करो। जानते भी हो देश के बहुत सारे युवक अच्छे रोजगार के इंतजार में बेरोजगार बैठे रहते हैं, और अगर उन्हें कोई रोजगार मिलता है तो ये कहकर ठुकरा देते हैं कि ये काम हमारे लायक नहीं। ये नहीं जानते कि यही काम उन्हें लायक बनाएगा। और कैसे? अरे सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। तो मिलते हैं आज के मेहमान से, जो हमें जानकारी देंगे कि नई पीढ़ी के लिए कौन कौन से रोजगार के अवसर हैं और ऐसे कौन से रोजगार हैं जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। स्वतः रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना जो हमारे विभाग में फैल होती है, वो सभी में है और में भी हैं। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एक तो गांव के नवयुवक, जैसे आपने कहा गांव की समस्या है, तो गांव के नवयुवकों के लिए, पढ़े लिखे लड़कों के लिए एक तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना चलाई जा रही है, और एक है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, वो भी गाँवों में प्लस शहरों में दोनों में चलाई जा रही है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की जो योजनाएँ हैं उसमें सर्वप्रथम योजना है एक संगठित रूप से जो बेरोजगार युवक हैं, बेरोजगार व्यक्ति हैं जो अपना स्वरोजगार लगाना चाहते हैं, उनको एक संगठित रूप से पूरी तरह की सहायता प्रदान करना। ये हम शुरू करते हैं इस तरह से कि उनको सबसे पहले हम तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। हमने अपने टेक्निकल सेंटर्स में उन प्रोजेक्ट्स को, उन मशीनों को लगा रखा है, और वहाँ उनको हम सेलेक्ट करके उनको हम वहाँ पर प्रशिक्षण से शुरू करते हैं। उसके बाद उनकी रुचि के ध्यान में रखते हुए और जिस तरफ उनका रुझान है, कहाँ वो लगाना चाहते हैं, वहाँ पे कच्चा माल क्या उपलब्ध होता है, तो वहाँ की स्थिति को देखते हुए, उनके पास जगह कितनी उपलब्ध है उसको देखते हुए उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई जाती है। उसके बाद हम बैंकों से संपर्क करते हैं ताकि उनको ऋण की सुविधा प्रदान की जा सके। अभी हमने 7 बैंकों के साथ अपने टाई अप किए हैं, तो ये 7 बैंक हमने ऐसे लिए हैं कि और भी बैंक हमारे पास आ रहे हैं, तो वो लोग इच्छुक हैं कि वो भी अपना स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को अपने ऋण की राशि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि NSIC के माध्यम से अगर उनको प्रपोजल्स मिलेंगे तो उसकी थोड़ी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हमारे वो करार हैं। तो हम इन लोगों से जिनके प्रपोजल्स हम बनवाते हैं, जिनके लोन ऋण प्रपोजल बनवाते हैं, उनसे कोई शुल्क नहीं लेते, ये हम मुफ्त में सहायता उपलब्ध कराते हैं और उनके प्रपोजल्स बनवा के हम उन बैंकों को देते हैं और उन बैंकों से फिर फॉलोअप करते हैं ताकि वो ऋण स्वीकृत कर सके, और अगर वो मना करते हैं तो उसके कारण बताएं। 1,00,000 लोगों को हर साल प्रशिक्षण दे रहे हैं, हमारे CDO डिपार्टमेंट के बहुत से वो हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, प्लस हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एक हैदराबाद में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल स्केल मीडियम इंटरप्राइजेस, एक गुवाहाटी में है, एक नोएडा में है। इनके माध्यम से फिर हमने इनसे कहा कि ये फ्रेंचाइज भी देंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको फ्रेंचाइज देंगे, उनके माध्यम से हम उनको सर्टिफिकेट देंगे, अपने इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट देंगे जिससे कि वो रिकॉग्निशन हो, और फिर उसके आधार पर बैंकों से भी उसे सहायता मिल सकती है। एक खास बात अब की बार ये कहा है और इंस्ट्रक्शन दिए हैं और उस पर चल रहा है कि बैंक जो है कभी कभी लड़कों को ये समझ करके, नवयुवकों को, कि सर न्यू जनरेशन का एंटरप्रेन्योर है, इससे पैसा वसूल होगा कि नहीं होगा, प्रोजेक्ट बायबल होगा कि नहीं होगा, इसको ध्यान में रखते हुए उनको कभी कभी वो हिचकिचाते थे ऋण देने में। उसके कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बैंक मैनेजर्स को सुरक्षित करने के लिए हमने ये कहा है कि सिलेक्शन पहले तो प्रॉपर हो डिस्ट्रिक्ट कमेटी से, साथ ही जो ऋण दिया जाएगा उसमें हम कोलेटरल गारंटी की मांग न करें, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश हैं कि 5,00,000 से कम हो। तो हमारे नवयुवकों को ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये अपने प्रोजेक्ट बनवाएं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करके उसमें भाग लें और इस योजना का लाभ उठाएँ, क्योंकि सरकार ने गारंटी भी दे रखी है उसको, बैंकों को, हमारे यहाँ एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है,
उसके आधम से 13 से 46 करोड़ रुपया रखा हुआ है इस समय, और काफ़ी संख्या में 6000 करोड़ भी आज हम ऋण दें बैंकों को, तो उसकी गारंटी सरकार दे रही है, तो 80% तक गारंटी सरकार दे रही है। हमारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का टोल फ्री नंबर है, उस पर कोई भी पूरे देश से फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकता है, और चाहे तो मीटिंग का समय निर्धारित करके वो हमारे यहाँ किसी भी शाखा में आ सकता है, और जो भी जानकारी और जो भी सहायता की आवश्यकता है उसको हम प्रदान कराएंगे। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-1955। हमें आशा है कि हमारे विशेषज्ञों द्वारा बताई गई बातें आपका भविष्य संवारने में मदद करेंगी। सच कहें तो स्वरोजगार दूसरों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करता है। अरे तुम दूसरों की फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। एक बार एक आदमी टिकट लेके ट्रेन पे चढ़े, जब टिकट कलेक्टर आया और उसने टिकट अपना दिखाया तो टिकट कलेक्टर बोला, अरे ये टिकट तो आपका मुगल सराय का है लेकिन ये ट्रेन तो लखनऊ जाएगी। वो आदमी चिल्ला चिल्ला के बोला, हाँ अब तो सारी गलती आप मुझ पे डालोगे, उस ड्राइवर को तो कुछ नहीं कहोगे क्योंकि वो तो आपके विभाग का आदमी है ना। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखा। सच बात तो ये है कि सबके अपने अपने काम सीखने के अपने अपने तरीके होते हैं। चलो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये जानते हुए कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तत्वावधान में चल रहे विभिन्न जन शिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक प्रशिक्षण द्वारा रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने साक्षरता के साथ आजीविका के विभिन्न पहलुओं को जोड़कर स्वरोजगार के अभियान का सूत्रपात किया। जन शिक्षण संस्थान व्यावसायिक और कौशल विकास संस्थानों के रूप में अपनी अलग पहचान बनाकर रोजगार की तलाश करने वालों को बड़ी तादाद में आकर्षित कर रहे हैं। औपचारिक शिक्षा से वंचित एक बड़े वर्ग को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण अहम भूमिका अदा कर रहा है। अल्पावधि में व्यावसायिक कौशल का विकास एवं प्रशिक्षण क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार एवं स्थानीय उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जिला साक्षरता समितियां विभिन्न विशेषज्ञों की सहायता से ही इन लाभार्जन तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को गति प्रदान करती है। अनेक ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों की सेवाएं भी दी जाती हैं, जो पहले से ही छोटे या बड़े पैमाने पर क्षेत्र विशेष में कार्य कर रहे हैं। देश भर में फैले सभी जन शिक्षण संस्थान 15 से 35 वर्ष की आयु वाले सभी नव साक्षरों को लगभग 300 विविध प्रकार के तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशलों में से किसी न किसी विधा का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। मधुमक्खी पालन एक ऐसा ही व्यवसाय है। यह मधुमक्खी पालन की तकनीक और कौशल से परिचित कराया जाता है। ये एक ऐसा ही व्यवसाय है जिसे बहुत कम लागत एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आसानी से शुरू किया जा सकता है। पूरे डिब्बे में एक ही रानी मक्खी होती है, जो है जैसे पीछा जो सुराग में इसमें सेल में दे रही है तो अंडा डाल रही है। रानी मक्खी जो है वो साथ साथ अंडे डालती रहती है, और उसके साथ 8 मक्खियां 15 मक्खियां भी हो जाती है, 20 भी होती है समय के हिसाब से, इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। और वो नर्स मक्खी जो है साथ साथ उस बच्चे को ठीक स्थान पर ठीक देख रेख उसी करती हुई उसके साथ साथ आगे बढ़ती रहती है। ऐसे ही कई कुटीर उद्योग महिलाओं के लिए वरदान है, जैसे मोमबत्ती बनाना। ये एक ऐसा उद्योग है जिसे कुछ महिलाएं संगठित होकर घर से ही आरंभ कर लाभार्जन कर सकती हैं। हस्तशिल्प एवं दस्तकारी भी कुछ ऐसे ही व्यवसाय हैं जो महिलाओं के लिए सोने पे सुहागे का काम करते हैं। इन्हें भी घर से ही आरंभ कर महिलाएं आत्मनिर्भर हो अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकती हैं। जन शिक्षण संस्थान कौशल आधारित इन उत्पादों को उद्योग मेलों और प्रदर्शनियों में प्रदर्शित करता है। लाभार्थियों के लिए JSS उद्यमकर्ता पहल का ये अनुभव न केवल आर्थिक लाभ देता है बल्कि उनके भीतर बाजारोन्मुखी उत्पादों पर कार्य करने की रुचि भी पैदा करता है। हमें आशा है कि हमारे दर्शकों को इस जानकारी से चोखी जानकारी मिली होगी, और चोखी तुझे भी तो चोखा ज्ञान मिला होगा। हाँ, अगर रास्ते मालूम ना हो तो चलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात। हमारा जो पड़ोसी है ना, उनके बेटे ने एक बार एक फर्नीचर की दुकान खोली, उसके बाद उन्होंने एक सेक्रेटरी को इंटरव्यू के लिए बुलाया। जब उस सेक्रेटरी को पूछा उन्होंने कि क्या आप सचमुच हमारे दुकान के ये मेज कुर्सियां ये सब बिकवाने में सफल रहोगी, तो सेक्रेटरी ने बोला, जी हाँ क्यों नहीं, अगर आप मेरे काम में रोक टोक ना करें और मुझे अपनी तरीके से काम करने दें तो ये मेज और कुर्सी क्या, मैं तो आपकी पूरी दुकान बिकवा दूंगी। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई खुराफात रहती है, हमेशा उल्टी बातें सोचते हो। अरे उल्टी बातें मैं कहाँ सोचता हूँ, उल्टी बातें तो सोचती है हमारी देव की ताई। एक बार हमारे ताऊजी के पेट में हो गया दर्द,
और रह रहे के दर्द जब बढ़ने लगा तो ताई जी ने डॉक्टर को घर बुला लिया। डॉक्टर साहब घर आते ही दरवाजा बंद करके ताऊ जी को मुआयना करने लगे। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब ने हाक लगाई, हथौड़ा लाओ। ताई जी भाग के आके हथौड़ा पकड़ा लिया। ताऊ जी की कराने की आवाज और तेज हो गई। इतने में डॉक्टर साहब ने दोबारा हाक लगाई, जमूर लाओ। ताई जी घबरा के लागे जमूर भी पकड़ा लिया। इतने में डॉक्टर साहब ने और हाक लगाई, पेचकस लाओ। ताई गुस्से में आके बोली, अरे डॉक्टर इस बार तो पेचकस से पहले मैं तुम्हारा पेचकस दूंगी। डॉक्टर साहब तुरंत बोले, ताई अब तक तो मैं अपना डॉक्टरी सामान वाला डब्बा खोलने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। पेचकस, जंबूर, हथौड़ा, जी हाँ, ये किसी आने वाली फिल्म का नाम नहीं बल्कि कहानी है टिहरी गढ़वाल में बसे एक गांव की। बढ़ईगिरी का काम करते हुए यहाँ के लोगों ने स्वरोजगार से खुद की बेरोजगारी दूर नहीं की बल्कि गांव के युवा वर्ग को शहरों की तरफ पलायन करने से भी रोका। सपरिवार यही रहकर अपना जीवन खुशहाल बिता रहे हैं। तो आइए चलते हैं टिहरी गढ़वाल। लोग बाग बेरोजगार थे तो कई काम के लिए सीजन में जाना पड़ता था, कहीं यमुनोत्री जाना पड़ता था, कैम्पटी जाना पड़ता था, मसूरी जाना पड़ता था, क्योंकि सीजन 6 महीने की सीजन लगती थी तो 6 महीने कहीं 10-20 कोई रोजगारी जो मिलती थी तो घर अच्छे ढंग से पैसे नहीं दे पाते थे तो घर भी परेशान रहता था। तो पहले लोग कहते थे कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी जो किसी के काम नहीं आती है। वो कहावत यहाँ पूर्ण रूप से बिल्कुल फिट बैठती है। ये युवा वर्ग मैक्सिमम काम के लिए यहाँ पर चला जाता है और वो काम भी बड़ा सीजनली होता है, प्रॉपर पूरे साल का भर का काम नहीं मिलता है। मसूरी में भी आप देखें तो कुछ ही महीनों का सीजन होता है। आप वहाँ पर कुछ होटलों में या किसी शॉप पर या पोर्टर का काम, ये सब उसमें युवाओं को यहाँ का काम मिल जाता है तो वो सीजन के लिए चले जाते हैं, बाकी लोग ये बेरोजगार हो जाते हैं। इससे क्या है कि जो परिवार का पूरा जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी आई, आर्थिक संकट यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों पर है। तो महिलाओं का ये कहना था कि हमारे जो पति हैं वो भी बाहर जाते हैं, अब हमें भी अच्छा नहीं लगता कि पूरे समय का तो पैसा भी नहीं ला पाते और जब आते हैं तो वो भी बहुत कम होता है और बाहर रहते हैं तो वो दर्द भी हमें करना पड़ता है, हमारा परिवार भी डिस्टर्ब होता है, बच्चे भी जो हैं स्कूल में भी नहीं भेज पाते, ये जो है एक बड़ी समस्या थी। तो महिलाओं का प्रेशर यही रहता था कि आप कोई इस तरीके का काम हो कि उनके जो पति हैं, युवा हैं, वो जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पर रुकें और काम करें, घर के रहें तो छोटी मोटी खेती भी कर लें, वो भी तब परिवार हमारा सही रूप से चलेगा और हम भी समूह के माध्यम से कुछ गतिविधियाँ करेंगे। जब यहाँ पे किसी इसमें एक संस्था खुली थी तो उस संस्था ने जो कुछ सर्वे की गांव में तो उसमें उन्होंने सबसे पूछा कि क्या किस चीज़ से लाभ होगा तो गांव वालों ने उससे हमने उन्होंने डिमांड दी कि हमें एक बढ़ईगिरी का कोई साधन करवाया जाए। अंत में जब ये फाइनल हुआ कि जो मिस्त्री का लकड़ी मिस्त्री का काम है वो एक काम ऐसा है कि इस वो हमेशा चलने वाला है, उसके बाद रूलक के इंटरवेंशन से यहाँ श्रीकोट में 6 माह का प्रशिक्षण कराया गया जिसमें स्थानीय स्तर पर जो हल नसूड़े बनाना, फर्नीचर बनाना और मकानों को बनाना, मकानों के जो भूकंप विरोधी मकान हैं उनके जोड़ों को कैसे बिठाया जाता है, ये सब जानकारी यहाँ पर 6 महीने के कोर्स में कराएगी। जब काम 6 महीने तक सीखा तो लोग बाग अपने हाथों से काम सीखे तो 100-150 रुपये की तैयारी करते हैं तो खाना भी फ्री मिल जाता है, उस पर स्थानीय स्तर पर काम मिल रहा है उनको और परिवार की स्थिति भी हुई। आज उनके बच्चे सब स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इन्होंने क्या करा कि जब सब जुड़े के एक इनको इन्होंने समूह के रूप में फॉर्म हुए, समूह के रूप में फॉर्म हुए, उन्होंने एक अपना दस्तकार समूह के नाम से पूरा यहाँ बनाया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि कहीं कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आपको एक रजिस्टर होना चाहिए कि समूह के रूप में होना चाहिए, कहीं लिखित होना चाहिए कुछ, उसके बाद बायोलॉजी होनी चाहिए। तो इन्होंने जो दस्तकार समूह बनाया वो इससे कि जैसे कभी बेसिक स्कूल की बिल्डिंग हो गई या रूलक की भी बिल्डिंग बनाई तो उसमें भी इनको वो हुआ कि आप वो दस्तकार समूह के नाम से वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और जो ये जो 15-16 लड़के हैं वो सब उसमें मिल के काम कर लेते हैं। हमें अभी कहीं किसी का मकान बनाना हो तो हमें मकानों में काम के लिए बुलाया जाता है। पलायन की समस्या थी जो पूर्ण रूप से ये रुके हुए हैं, 16 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल रुके हुए हैं और इन्होंने एक एक और रोका है ना कि 35 लोग जो ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से यहाँ पे रुके हुए हैं। जैसे कि अपना घर छोड़ के बाहर जाना किसी को अच्छा नहीं होता क्योंकि मजबूरी के नाते से बाहर भी जाना पड़ता, बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, याद जब याद आती है तो मुसीबत में तो रहना पड़ता है।
गांव से अगर आप देखें तो पलायन जब शहर की ओर होता है तो देखिए पूरा परिवार का चक्र बिगड़ता है, परिवार का चक्र बिगड़ता है कि जो महिला है घर में वो भी डिस्टर्ब होती है, पति इतना कमा के ला नहीं पा रहा कि जो परिवार को वो कर दे, भरण पोषण कर दे, तो ये सारी समस्याएं यहाँ पे हैं पलायन को होने से। मेरा उनसे ये कहना है कि आप स्थानीय स्तर पर रहें और गांव स्तर पर अपने संसाधनों को ढूंढते हुए गांव के में रह के गांव का विकास करें, अपने परिवार का विकास करें, इसी से देश का विकास होगा, हम सबका विकास होगा। वाह, मजा आ गया इस गांव की कहानी देखकर। हमारे देश में गांव देहात पहाड़ों में रोजगार की संभावना की कमी नहीं है, सिर्फ जरूरत है तो सही दिशा अपनाने की और मेहनत करते जाने की। मैं तो सोचती हूँ कि ऐसी सफलता का सहरा बांधे लोगों का सम्मान कर दूं। अरे सम्मान तो कोर्ट कचहरियों में होता है, सम्मान बोलो सम्मान। हाँ हाँ वही तो कह रही थी। हाथ में हुनर हो, मेहनत करने की धुन हो और अपनी मदद अपने आप करने का जज्बा हो, फिर तो सफलता आपके कदम चूमेगी। हाँ तो बढ़ाइए कदम, जिंदगी हंसी खुशी आपका इंतजार कर रही है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।